हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग माउस चलाना नहीं जानते हैं और वो लोग माउस चलाना सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किस प्रोग्राम पे माउस चलाने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती है और कहाँ पे किया जाए और किस तरह से प्रैक्टिस किया जाए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, माउस चलाने की प्रैक्टिस को सीखने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा करके माइक्रोसॉफ्ट का पेंट प्रोग्राम का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या कोई भी पीसी हो, आप उसमें पेंट प्रोग्राम को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पा जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इसको पेंट प्रोग्राम को कहाँ से ओपन किया जाए। आप अपने कंप्यूटर या फिर पीसी में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइप हियर टू सर्च में पेंट लिखेंगे, PAINT इसका स्पेलिंग होता है। यहाँ पे पेंट लिखने के बाद आप जैसे इंटर करेंगे, आपके सामने पेंट प्रोग्राम का जो इंटरफेस रहेगा, पहला इंटरफेस रहेगा, वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा माउस पॉइंटर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। इसी में हमको माउस चलाने की जो प्रैक्टिस है, सारे के सारे हमारे जो पॉइंट आएंगी एक बाई एक करके, वो इसी में करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि कम टूल यूज करते हुए कि कैसे अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर सके, वो भी माउस चलाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो है हमारा पेंसिल। अब दोस्तों, आप यहाँ पे कहेंगे कि हमको पेंसिल कहाँ पे मिलेगा इस पेंट प्रोग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, आप सबसे ऊपर यहाँ पे पेंसिल का आइकन बना हुआ पा जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेंसिल है यहाँ पे माउस की पॉइंटर की जगह पेंसिल आपको सिलेक्ट हुआ दिख जाएगा। अब दोस्तों, आपका पेंसिल सिलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे इस तरह से मूव करेंगे तो आपका वो जो लाइन है, आपका जो लाइन ड्रॉ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अब लाइन कैसे ड्रॉ होगा? अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस तरह से आप अपने माउस को मूव कर रहे हैं उसी तरह से हमारा पेंसिल भी मूव हो रहा है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिकली आपको अपने माउस में आपका जो लेफ्ट बटन होता है उसको आप प्रेस करके जिस तरह से आप माउस को मूव करेंगे उसी तरह से आपका जो पेंसिल है वो ड्रॉ होते हुए जाएगा। आप अगर माउस को ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, और अगर नीचे करेंगे तो आपका जो माउस का जो पॉइंटर है उसी के साथ पेंसिल भी नीचे ड्रॉ करते हुए लाइन को आ जाएगा। तो दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने सीख लिया है कि पेंसिल को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और पेंसिल को सिलेक्ट करने कहाँ से सिलेक्ट करेंगे और किस तरह से पेंसिल में हम लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। अब बात आती है, अगर मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करें तो इसको मिटाना भी पड़ेगा। बेसिक सी बात है, अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं और सीखने में गलती तो जरूरी होगी, और उस गलती को हम इरेज कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसी टूल्स में आपको यहाँ पे पेंसिल के जस्ट नीचे इरेजर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इरेजर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर ये बॉक्स नहीं आ रहा है तो दोस्तों, आपका इरेजर अभी सिलेक्ट नहीं है, आप दोबारा से इस पर सिलेक्ट करेंगे जब तक ये आपका बॉक्स ना आ जाए। ये आपका इरेजर बन तो गया, अब इसको हम इससे किसी भी लाइन को, किसी भी फाइल को हम इरेज कैसे करें? इसके लिए दोस्तों, आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमको इरेज करना होगा वहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लाइन था वो इरेज होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है, इरेजर की पॉइंट अभी बहुत छोटा है। अब हमको इरेजर के पॉइंट को मान लीजिए बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करने के बाद अपने प्लस वाले सिंबल को जितने टाइम हम प्रेस करेंगे उतने टाइम हमारा जो माउस का पॉइंट उसका साइज बढ़ेगा। अब दोस्तों, इतना इसका साइज बहुत है। अब हम यहाँ पे अपने माउस लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारा इरेज करना होगा वहाँ पे हम इसको वहाँ पे उसी तरह से उसके ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा इरेज होता हुआ चला जाएगा। अब दोस्तों, हम ये भी सीख चुके हैं कि हम पेंसिल से किसी भी लाइन को कैसे ड्रॉ करें फ्री हैंड से, उसके बाद उसको इरेज कैसे करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हम इसमें इससे प्रैक्टिस किस तरह से करें। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा प्रैक्टिस करने का। तो हमारा सबसे पहला तरीका है दोस्तों, यहाँ पे हम पेंसिल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम पेंसिल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर हमको मान लीजिए पेंसिल के साइज को कम या फिर ज्यादा करना हो, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो इसकी मोटाई है, जो हमारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको हमको और भी डार्क करना हो, ये पतला लाइन है तो इसके और इस लाइन को मोटा करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है,
आपको साइज के ऊपर यहाँ पे जो भी साइज चाहिए, यहाँ पे हम 2px साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला लाइन हमारा पतला था और जो ये वाला लाइन है ये हमारा मोटा है। अब दोस्तों हम मोटे लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे साइज में जाएंगे, उसके बाद इस वाले साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने माउस से आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका नाम एक एक करके लिखेंगे। तो आप अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्य का जो भी नाम होगा वो आप अपने यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे राम लिख के बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक माउस पे सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपको जो भी लिखना होगा आप इसको यहाँ से बहुत ही ईजिली एकदम स्मूथ हैंड से आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, बस आप अपने लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए आपको जो भी लिखना हो आप आराम से लिख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया है। इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार नाम को लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे आपको इरेजर लेना है और जिस तरह से आप लिखे रहे होंगे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके इसको इरेज भी करना है, जिससे आपको इरेज करने का भी प्रैक्टिस हो जाए साथ ही साथ में, और इसी तरह से आपका जो माउस चलाने का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं अपने हम मेन जो हमारा मेन प्रैक्टिस है उसकी तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमको शेप्स के ऑप्शन में जाना है। शेप्स के ऑप्शन में से यहाँ पे हम रेक्टेंगल के शेप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने वर्किंग एरिया में इस तरह से एक बॉक्स को बना लेना है, एकदम कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर पे लेके आएंगे। उसके बाद फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से थोड़ा सा जगह छोड़ के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर से उसी तरह से एक दूसरा बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम बॉक्स कई सारा बॉक्स बनाएंगे, तब तक बनाएंगे दोस्तों जब तक कि हमारा बीच में स्पेस बिल्कुल कम ना हो जाए। एक छोटा सा स्पेस जब तक बचता है एक बॉक्स का तब तक हम बनाएंगे। को इस तरह से रेक्टेंगल शेप को ले करके इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। अब बारी है दोस्तों आपको इसमें कलर फिल करने की। तो कलर फिल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फिल विथ कलर के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, आप जिस भी कलर को चाहते हैं यहाँ पे भरना है इसके बीच में, आप सिंपली उस कलर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों लाइन के बीच में आपको यहाँ पे जो वाइट एरिया दिख रहा है उस एरिया में इस पॉइंटर को लाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल एक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर है उस वाले एरिया में फिल हो जाएगा। सभी बॉक्सेस में कलर फिल हो चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट जो हमारा काम है दोस्तों वो है इरेज करने का। तो यहाँ पे हम इरेजर वाले आइकन पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा इरेजर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम इरेजर का जो साइज़ इसको बढ़ा लेते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद प्लस के आइकन को प्रेस करेंगे। जितने टाइम प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे उतने टाइम हमारा जो इरेजर का साइज़ है वो बढ़ेगा। अब दोस्तों इतना साइज़ हमारा परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अब यहाँ पे हमको दोस्तों बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए अपने माउस को आराम आराम से हम यहाँ पे लेकर आएंगे ऊपर से इरेज करते हुए। हमको जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही आराम आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से, एक भी जो छूटना नहीं चाहिए। ज़रा सा भी छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको दोबारा से उसको कर लेना है। आपको इस तरह से इरेज नहीं करना है कि इस तरह से हम जल्दी जल्दी इरेज कर दें हमारा काम ख़त्म हो जाए। अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस चाहिए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से ऊपर से आराम आराम से करना है। पहले टाइम करते समय दोस्तों आपको भले ज़रा समय लगेगा, लेकिन अगर आप आराम से और सही से बिल्कुल करेंगे तो आपको आगे चल के ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा, और आपका साथ ही साथ में आपका अच्छा भी प्रैक्टिस बन जाएगा माउस के साथ। तो दोस्तों इस तरह से आप करेंगे तो आपका बहुत ही आराम से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप माउस में बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप MS Paint के ट्यूटोरियल वीडियो को देखना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप यहाँ पे इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल में जाएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में हमारे सभी वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हैं और MS Paint से, MS Notepad, सभी चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, और आप वहाँ पर जाएँ और ज़रूर से सबको चेक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।